हेलो दोस्तों, नवरात्र में अगर आपको कुछ नया खाने का मन कर रहा है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप सामान के चावल, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था 2 से 3 पानी में। अब दूसरी तरफ एक पैन लिया है, पैन में हम डालेंगे 1 कप मूँगफली। इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। ये देखिए ये चटकना शुरू हो चुकी है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली है तो आप ये प्रोसेस जो है स्किप कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से ये रोस्ट हो चुकी है और आधी मूंगफली जो है मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। इसको हम आगे रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, जो नवरात्र में यूज़ करा जाता है ऑयल, वही मैंने लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, और मैंने लिया है 1 नारियल, सूखा वाला नारियल। इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, थोड़े से चंक्स भी हैं इसमें नारियल के। इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे। ऐसे जब हम इसको रोस्ट करके बनाते हैं ना तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको एक मिक्सर के जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अब इसमें डालेंगे 3/4 कप दही। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, चटनी हमारे बनके तैयार हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरा हमारे से टकना शुरू हो गया। इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे सामक के चावल, जो हमने धो के रखे हुए थे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। जिस कप से मैंने चावल लिए थे उसी कप से मैं 2 कप पानी डाल दूंगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच सेंधा नमक और इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, जो चावल हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। चावल जो है हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब इनको एक परात में निकाल लेते हैं। इसको चम्मच से थोड़ा सा मैश कर लेंगे, जो भी लम्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 आलू, जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। ये उबले हुए आलू लिए हैं मैंने। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली, जो मैंने मूंगफली निकाली थी ना, इसको मैंने अच्छे से मिक्सर में पीस लिया था। अब इसमें डालेंगे सेंधा नमक, क्योंकि आलू डाले हैं तो थोड़ा सा फीका फीका ना लगे, इसलिए हम थोड़ा सा नमक इसमें और यूज़ करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आप नवरात्रों में कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसका आटा नहीं गूंदना, बस इसको अच्छे से हम मिक्स करके लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें से 1 लोई लेंगे और इसको गोल करते हुए 1 टिक्की की शेप दे देंगे। अब बीच में से इसको ऐसे
उंगलियों की मदद से ऐसे होल्ड कर लेंगे, फिर इस तरह से अंगूठे से इसको दबाएंगे ना, एक जैसे मेदू वड़ा की शेप होती है वैसे ही बन जाएगी। ऐसे ही मैंने सारे बना के रख लिए हैं, अब चलते हैं इनको फ्राई करने की ओर। पहले से ही मैंने ऑयल रखा हुआ था गर्म होने के लिए। अब एक एक करके इन वड़ों को इसमें डालते जाएंगे। एक बार में बहुत सारे मत डालिएगा, 4 से 5 ही डालिएगा, नहीं तो क्या होता है ये थोड़े से चिपकने शुरू हो जाते हैं। अब इस टाइम इसमें करछी बिल्कुल भी हम नहीं लगाएंगे, दो मिनट हो गए इनको सिकते हुए। अब करछी से इसको उलट पुलट कर देंगे ताकि अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाए। दोस्तों ये नाश्ता बिना भिगोए इतना टेस्टी बनता है, ना तो इसमें भिगोने की टेंशन और ना कच्चे रहने का झंझट। थोड़ी सी ही सामग्री से आप इस नाश्ते को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इनमें बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है, बिल्कुल सुनहरा कलर आ चुका है इसमें, और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब इनको भी अच्छे से हम सेक लेंगे। जो वड़े हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, हम इनको सर्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये जो चटनी हमने तैयार की थी ये हम बीच में रख देंगे। ये लीजिए बनके तैयार है हमारा नवरात्र में बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। और अगली रेसिपी आप कौन से देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।